मुगल शासकों में नहीं था, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने भी कई राजाओं से संधियां की और इन्होंने भी शादियां की उन औरतों से। तो ये पुरुष प्रधान समाज की एक बात थी कि राजा लोग जब किसी से संधि करते थे छोटे राजा से, तो उनकी बेटी या बहन वो शादी के रूप में ऐसी, इसीलिए राजाओं की तो वैसे भी बहुत शादियां होती थी, बहुत सारी पत्नियां होती थी। और ये केवल मुसलमान राजाओं पे लागू नहीं, मैं हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की बात बताऊं, उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे संधियां की और उसके कारण उनकी फिर मेरे ख्याल से 7 या 8 शादियां भी हुई। तो इसको एक देखना कि भाई हम हिंदुओं पे हावी थे और हमने अपना वर्चस्व बनाया, ये राजाशाही का एटीट्यूड है। आप देखिए उस समय भले ही राजा मुसलमान हो पर जमींदार तो ज़्यादा हिंदू थे, मुसलमान जमींदार भी थे, हिंदू जमींदार भी थे। और कोई जो मुसलमान राजा थे 99.9% मुसलमान तो गरीब थे, गरीब किसान थे, दस्तकार थे, तो उसके आधार पे इसको मुसलमानों का राज कहने को पूरी तौर से गलत है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और वो तजर्बे और वो मालूमात जो आम तौर पर हमें आजकल ना अखबारों में मिलते हैं ना ही टेलीविजन पर मिलते हैं, वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिसमें बहुत ही एक तरह से बहुत ही परेशान कर देते हैं एक अच्छी सोच रखने वाले इंसान को, जो भारत को सही रास्ते पर देखना चाहता है और सही रास्ते पर तरक्की होता हुआ देखना चाहता है, उसको विचलित कर देते हैं। अभी हाल ही में एक वाकया गुजरात में एक बार फिर हुआ है, डांडिया के मामले में, उसमें कुछ लड़कों को खंभे से बांध करके पीटा गया है। एक और वाकया इससे पहले हो चुका है, ये एक दूसरा वाकया। इसके अलावा गुजरात में ही आपको मालूम है कि इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, हालांकि अभी उनका शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर तक इलेक्शन होने हैं। उससे पहले कुछ कंपनियों के और इलेक्शन कमीशन के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि अगर आपके यहाँ काम करने वाले लोग वोट ना करें तो उनको शर्मिंदा करें, उनको उनके नाम नोटिस बोर्ड पर लगाएं और अपनी वेबसाइट पर लगाएं। ये बिल्कुल एक नए किस्म का भारत हम देख रहे हैं। ये ऐसे हालात हैं, चूंकि वोट करना या नहीं करना वो हर इंसान की अपनी चॉइस है, सभी को एनकरेज करते हैं, अच्छी बात है वोट करें ज्यादा से ज्यादा, ये अपने आप में है, लेकिन ये भी हर एक इंसान का हक है कि वो वोट करे या ना करे, या इवन नोटा का भी ऑप्शन है, इस पर बात करेंगे। एक MIM के लीडर है शौकत अली, उन्होंने भी सेकुलरिज्म पर एक बयान दिया है। इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है बंबई से राम पुनियानी जी, जो हिस्टोरियन है, हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समाज सेवी हैं, बहुत सी किताबें लिखी हैं खासतौर पर RSS के नजरिए पर, और उसके अलावा कई अहम इश्यूज पर सोशल और मुसलमानों के आजादी से मुताल्लिक क्या कुछ रोल रहा है उस पर, बहुत से इश्यूज पर दर्जनों किताबें आपकी हैं। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले बार बार कुछ खास किस्म के वाकयात हो रहे हैं, जिसमें ये एक वाकया भी बहुत ही तकलीफ दे है कि बगैर किसी अदालती प्रोसेस के सजा दी गई है और पब्लिकली सजा दी गई है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारे समाज में जो पुलिस का रवैया है और जो लोगों का रवैया है, और तीसरी तरफ से जो नफरती माहौल खड़ा करने के लिए धार्मिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो तीनों चीज़ें गुजरात के इस घटना में दिखती हैं। तो हुआ यूं कि वहाँ वैसे एक गरबा चल रहा था जो नवरात्रि पे होता है, उसी के साथ साथ एक मस्जिद के करीब दूसरा नया नवरात्रि का फेस्टिवल चालू किया गया, तो काफ़ी देर तक वो चलता रहा, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, मस्जिद के पास कुछ लड़के बैठे थे वो भी उसको देखते रहे, पर उसके बाद ऐसा कहते हैं कि मस्जिद पर गुलाल फेंका गया और कुछ नारेबाजी हुई, तो उसके बाद फिर पत्थरबाजी चालू हुई। अब पत्थरबाजी चालू हुई तो सरल बात यह है
कि जो जिन लड़ जो भी लड़के इसमें इन्वॉल्व थे उनको पकड़ के आप जो कानूनी तौर से कार्रवाई है वो करना चाहिए। उसके बदले क्या हुआ कि पुलिस ने एक के बाद एक उन लड़कों को एक खम्भे पे बांधा और पीछे से बहुत अपने डंडे से उनकी पिटाई की। अब सवाल ये है कि क्या हमारे समाज में इस प्रकार का माहौल खड़ा हो रहा है कि नंबर एक कि जहां कानून अपनी जगह पे है, कानून की रक्षा करने वाले कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, और तीसरा उससे दुख की बात कि जो बाकी लोग खड़े हैं वो वहां तालियां बजा रहे हैं, वो एक खुशी का जाहिर कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो इन तीनों चीजों के नजरिए में मुझे भारतीय संविधान का और भारत में जो बंधुत्व फ्रेटर्निटी जो होना चाहिए उसका एक वॉयलेशन दिख रहा है, उसका विरोध दिख रहा है, और एक ऐसा माहौल खड़ा किया जा रहा है कि जहां अल्पसंख्यक मुसलमानों के बारे में नफरत पैदा की जाए, नफरत को बढ़ाया जाए, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां की जिससे कि कुछ लोगों को अच्छा लगता है और पोलराइजेशन ध्रुवीकरण की जो प्रक्रिया है वो इससे मजबूत होती है। तो ये एक बहुत शर्मनाक घटना है कि हमारे संविधान में पूरे कानून दिए हैं, हमारे संविधान में पूरा तरीका दिया है कि कोई अगर पत्थरबाजी करता है, कोई गलत काम करता है तो आप FIR लिखिए, उसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई है कीजिए, पर किसी को एक पोल पर खंभे पर बांध कर उसको पिटाई करना ये अपने आप में बहुत एक गंदा काम है जो हमारे कानून जिसकी सलाह नहीं देते। पर गुजरात में ये माहौल बहुत तेज हो गया है, बाकी जगहों पर भी इसी प्रकार के माहौल को लाने की कोशिश की जा रही है कि जहां कानून के बाहर जाकर कोई कार्रवाई की जाती है और लोग उस पर खुशी जाहिर करते हैं। तो ये चिंता का विषय बहुत तरीके से है कि वहां एक गरबा तो पहले था, दूसरा गरबा क्यों शुरू किया गया और वो मस्जिद के पास ही क्यों शुरू किया गया और फिर मस्जिद पर गुलाल क्यों फेंका गया, ये सब चीज़ों की मेरे ख्याल से एक सही इंक्वायरी होना चाहिए सरकार की तरफ से, सिटीजन्स कमेटी की तरफ से, आप जैसे पत्रकारों की तरफ से, ताकि सच्चाई सामने आए और हमारे देश में जो भटकाव हो रहा है कानून के रास्ते से उस भटकाव को रोक कर हम फिर से कानून व्यवस्था के राज को मजबूत करें। मैं ये बात नहीं मान कह रहा यहाँ कि कोई बेकसूर है या कसूरवार है, सजा जरूर दीजिए, पर वो कानून के तहत सजा दी जाना चाहिए, और जब इस कानून के बाहर जाकर कोई सजा देता है और बाकी लोग उस पर तालियां बजाते हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, वो मुसलमान है, तो ये पोलराइजेशन ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा इंडेक्स है, सबसे बड़ा प्रतीक है, सबसे बड़ा एक दिखने वाली चीज है जो हमारे समाज में बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम तो सदियों से हिंदू मुसलमान मिलकर रहते आए हैं आज़ादी के आंदोलन में। कोई आज़ादी का आंदोलन कोई न हिंदुओं का अकेले का था, न मुसलमानों का अकेले का था, सभी धर्म के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया। हमारी संस्कृति का भाग है कि एक दूसरे के त्यौहारों में भाग लेना, एक दूसरे के मजहब का आदर करना। तो ये जो माहौल खड़ा किया जा रहा है छोटी छोटी बातों पर एक एक चीज का फायदा लेकर, क्योंकि गरबा तो गुजरात में बहुत पॉपुलर है, पहले तो कहा गया कि गरबा में आने के पहले आपको आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, अगर आपका नाम मुसलमान है तो आपको उसमें एंट्री नहीं मिलेगी, ये भी एक नई बात है, क्योंकि त्योहारों को मिलकर मनाना वही तो त्योहार का मतलब होता है। कि जैसे ईद है तो ईद में आप ऐसा नहीं कहेंगे कि हिंदू इसमें नहीं आएगा, कोशिश करते हैं कि उसमें हिंदुओं को भी जोड़ा जाए। अब क्रिसमस है, सभी लोग उसमें मिलकर खुशी से केक खाते हैं, तो ये हमारा जो तरीका है त्योहारों में मिलजुल कर एक दूसरे की खुशी को बांटना, और वो हिंदी में तो बहुत अच्छा मुहावरा है, खुशी बांटने से बढ़ती है, और ये खुशी को बांटने की बात हम कर रहे हैं उसके विरोध में जाकर धर्म के नाम पर कुछ लोगों पर इस प्रकार से कार्रवाई करना, ये हमारे न तो हमारी नैतिकता में बैठता है, ना हमारी संस्कृति में बैठता है, ना हमारे कानून के अनुसार। तो मुझे लगता है कि सरकार समाज इसकी तरफ ध्यान दे, इसकी अच्छे से इंक्वायरी हो, और जिन कारणों से ऐसा वातावरण खड़ा किया जा रहा है उसके विरोध में एक सकारात्मक पॉजिटिव वातावरण पैदा करे जहां हम
मिलजुल कर त्योहारों में एक दूसरे के गले मिले, एक दूसरे की खुशियों में इजाफा करें, एक दूसरे की खुशियों को बढ़ाएं, वो हमारा तौर तरीका होना चाहिए। राम पुनियानी जी, गुजरात में तकरीबन 27 साल से बीजेपी की सरकार है, वहां के जो पत्रकार हैं उनसे हमारी बात होती है, कभी कभी हम वहां से इंटरव्यू भी करते हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों को सिर्फ एक ही तरह से परेशान नहीं किया जा रहा है, बाकायदा प्रॉपर्टी खरीदना एक मुश्किल काम हो गया है, कहीं अगर जाकर के कोई एक कोई बिल्डर कॉलोनी बनाने की कोशिश करता है, जगह लेता है तो उसे ग्रीन बेल्ट में अनाउंस कर दिया जाता है, नामों की तब्दीली, प्रॉपर्टी का बेचना खरीदना एक अपने आप में बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो ये अब जिस तरह से बीजेपी ने 27 साल गुजारे हैं, और इस बार वहां ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी कुछ इनको नुकसान पहुंचा सके या सरकार बनाने से रोक सके। अभी एक और वाकया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन और गुजरात में तकरीबन 1000 कंपनियों के बीच में ये एक जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, कोई उसे लिख रहा है, इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट थी वो एक इंस्ट्रक्शन दी है इलेक्शन कमीशन ने, या कोई समझौता हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि अगर आपके यहाँ काम करने वाला कोई शख्स वोटिंग में हिस्सा ना ले, पार्टिसिपेट ना करे इलेक्शन में, तो उसको एक तरह से शर्मिंदा करें, पब्लिकली उसके बारे में उसके नामों का ऐलान करें। तो ये 75 साल की जो हमारी डेमोक्रेसी, ये जो हम एक नए सिस्टम में आजादी के बाद जी रहे हैं, क्या आपने कभी ऐसा कभी सुना है कि इस हद तक कोई चीज हो सकती हो? देखिए, ये एक बहुत विचलित करने वाली बात है, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ पिछले इलेक्शन कमीशन बनना, भारत का इलेक्शन कमीशन एक बहुत अच्छे आधार पे बना था, आपको याद होगा टीएन सेशन थे और उन्होंने एक बहुत अच्छे आधार पे इलेक्शन कमीशन को एक डेमोक्रेटिक तरीके से खड़ा किया, और ये पहले काफी निष्पक्षता से काम करता था, इम्पार्शियली काम करता था। इसके मॉडल पे दूसरे देशों ने भी इलेक्शन कमीशन अपने यहाँ खड़े करने की कोशिश की। तो आज तक मैंने इतने सालों में, दशकों में कभी इस प्रकार से नहीं सुना, क्योंकि जैसे वोट देना मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है, मेरी नैतिक ड्यूटी है, मेरा नैतिक कर्तव्य है, वैसे ही वोट न देना भी कई बार मेरा अधिकार हो सकता है, मेरी इच्छा हो सकती है। इसके बारे में इस प्रकार से उनको शर्मिंदा करना या उनके नाम को आइडेंटिफाई करना, ये पूरा गलत है। अभी आप देखिए, देश में चुनाव होते हैं, पहले वोटिंग परसेंटेज जो लोग वोट डालते थे 40-45% होता था, अब धीरे धीरे अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है, 50 है, 60 है, 70 है, 80% तक भी कहीं होता है। जहाँ 80% वोटिंग होती है हम बहुत खुशी से कहते हैं कि देखिए कितना भारी मतदान हुआ है, तो 80% वोटिंग में भी 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है। आज तक मैंने नहीं सुना कि कहीं 100% वोट हुई। तो ये हमारा तरीका है लोकतंत्र का, कई कारणों से लोग वोट नहीं देते, और जैसे वोट देना अधिकार है वैसे वो वोट न देना भी लोगों की मर्जी की बात हो सकती है। मैं इसका समर्थन नहीं करता, मैं आपके साथ हूँ कि सब लोगों ने अपने मतदान को अधिकार का उपयोग करना चाहिए, मैं उस बात को मानता हूँ। पर अगर कुछ लोग नहीं डालते हैं तो वो भी उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, आज तक कभी मैंने 100% मतदान कहीं नहीं सुना है, मतलब हर बार कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डालते, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या उनको ऐसा बदनाम करने की कोशिश, उनको शेमिंग करने की कोशिश तो मैंने आज तक नहीं सुनी है। तो एक नए प्रकार से चीज को इजाद किया जा रहा है जो डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के मूल्यों से बिल्कुल मैच नहीं करता। अब से पहले बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार ने NRC CSA के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी लोगों के को शर्मिंदा करने की और उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाइयों तक का भी सिलसिला शुरू हुआ था, प्रॉपर्टियां कुर्क हुई थी। तो ये प्रोटेस्ट करने का इख्तियार, वोट डालने ना डालने का इख्तियार, ये कब से ऐसा, मतलब कैसे माना जा सकता है कि डेमोक्रेसी इसकी इजाजत देती है? आप मतलब मैं बहुत ही तकलीफ दे बात है ये कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, आप एक कानून लाए हो उसके खिलाफ लोग अगर खड़े हैं, जैसे किसानों ने भी प्रोटेस्ट किया था, तो और CAA NRC में
मुखालिफत में सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे और लोग भी थे। ये 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 किस तरह के, यानी डेमोक्रेसी को किस तरह से किस रास्ते पर ले जाया जा रहा है, क्या इससे कोई वापसी के इम्कान है, आपको कैसा लगता है, क्या आपको? देखिए अभी तो जो हालात हैं आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि अभी तो पूरी कोशिश की जा रही है कि डेमोक्रेसी के मूल्यों को पीछे हटाया जाए, पर अब ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करते रहें तो लोगों में उसका विरोध भी पैदा होता है, और मुझे लग रहा है कि ऐसी जो गलत चीज़ें की जा रही हैं उसके खिलाफ लोगों में एक विरोध की भावना पनप रही है। और इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है कि नहीं ये आप सोचिएगा, पर मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा को इतना बड़ा जो प्रतिसाद मिल रहा है, इतना बड़ा जो साथ मिल रहा है, उसके पीछे का एक कारण ये है कि उनके जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला हो रहा है, उनको जो बांटने की कोशिश की जा रही है, जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके कारण लोगों को कहीं तो भी एक विरोध लग रहा है। तो यहाँ मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, लोगों को अपना विरोध प्रदर्शन करना है अभी के बातों के खिलाफ, इसलिए वो पैरों से चलकर अपना विरोध कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में फर्क यही है कि डेमोक्रेसी में आपको अधिकार है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को लिखें, अपनी बात को बोलें, अपनी बात का प्रदर्शन करें, और उसके आधार पे सरकार का कर्तव्य है कि इन चीज़ों का दखल ले, इन चीज़ों के बारे में सोचे कि हम वास्तव में तो लोगों के प्रतिनिधि हैं और लोगों में केवल मेजॉरिटी से आ गए तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। मेजॉरिटी से तो आने से ही डेमोक्रेसी सरकार बनती है, पर जो माइनॉरिटी में भी रहते हैं उनकी बात की जो सही बात है उसका दखल लेना ये सरकार का एक नैतिक कर्तव्य होता है। इसलिए प्रदर्शनों पर रोक, प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, ये हमारे लोकतंत्र में फिट नहीं होता। और प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण तरीके से ये करना, ये हमारा संविधान इसकी पूरी इजाजत देता है और वही हमारी संविधान का एक सबसे बड़ा मजबूत भाग है। और किसी भी डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में यही फर्क है। डिक्टेटरशिप में जो ऊपर का एक आका बैठा रहता है उसको सब पता है, सब वही करता है, और डेमोक्रेसी में यही होता है कि आम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचे, पहले इलेक्शन के माध्यम से, दूसरा आपके राइटिंग के माध्यम से, आपके टेलीविजन के माध्यम से, आपके प्रोटेस्ट के माध्यम से पहुंचे। ये डेमोक्रेसी का एक मूल मंत्र है, तो इसको अगर दूर किया जाए तो हमारे डेमोक्रेसी की आत्मा ये जिंदा नहीं रहेगी। अच्छा अब ये MIM का लीडर का एक स्टेटमेंट है शौकत अली साहब का सेकुलरिज्म के बारे में, ये क्या कुछ है? क्योंकि एक मुझे नहीं मालूम आप MIM के बारे में आपकी क्या राय है, लेकिन बहुत लोग ऐसा कहते हैं, समझते हैं, राय रखते हैं कि ये BJP की बी टीम है और वो मुसलमानों को एक तरह से ऐसी लच्छेदार जबान में उलझा करके रखना चाहते हैं, और यंगस्टर्स आमतौर पर किसी की भी कोई अच्छी सी बात लगती है सुनने में तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको ये MIM के इस स्टेटमेंट और आपका क्या, आपकी क्या खुद क्या राय है MIM के बारे में? देखिए MIM की तो एक बड़ी बात है कि वो उनके कई स्टेटमेंट सही होते हैं, पर जिस प्रकार से बयान किए जाते हैं वो भड़काऊ तरीका होता है, और उससे फिर यहाँ के कम्युनल फोर्सेस को सहारा मिलता है, और जिस प्रकार से वो चुनाव में हर जगह जाकर अपनी दखलंदाजी करते हैं उससे भी मेरे ख्याल से जो सांप्रदायिक पार्टी है उसी को ज़्यादा फायदा होता है। वो एक बात, वो अलग बात। दूसरी बात, अभी उनके शौकत अली साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम मुसलमानों ने तो 834 साल तक राज किया और हिंदू लोग हमारे राजाओं के सामने हाथ बांध कर खड़े रहते थे और जोधा भाई को हमने मलिकाए हिंदुस्तान बनाया। तो ये जो चीज़ें कही इस पर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि ये इतिहास को समझने का एक गलत तरीका है, सांप्रदायिक तरीका है, और ये तरीका जो है ये तरीके का एक सिक्के के दो पहलू। सिक्के का एक पहलू है कि मुसलमानों ने राज किया, जो मुस्लिम लीग ने शुरुआत की, जिस बात की एक्चुअली इसकी जड़ें तो ब्रिटिश सरकार ने डाली, जो सांप्रदायिक इतिहास उन्होंने लिखाया जेम्स मिल के माध्यम से, अंग्रेजों ने उसकी जड़ें डाली। तो एक तरफ
मुस्लिम सांप्रदायिकता ने इस बात को किया कि भाई यहाँ के राजा तो मुसलमान रहे हैं, हिंदू लोगों पे तो हमने राज किया है और इसलिए राज हमको मिलना चाहिए। और इसमें पाकिस्तान में भी इसी प्रकार की बातों को पढ़ाया जाता है। और दूसरी तरफ से जो हिंदू सांप्रदायिक ताकतों ने इसके सिक्के के दूसरे पहलू के रूप में कहा, ये तो हिंदू देश है, मुसलमान विदेशी है और क्रिश्चियन विदेशी है, इन लोगों ने हमारे यहाँ आक्रमण किए, इन लोगों ने हमारे लोगों पर अत्याचार किए, तो हमको फिर से यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ये सिक्के के दो पहलू हैं, जिस प्रकार से हिंदू सांप्रदायिक ताकतें इसको अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र बोलकर मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को विदेशी मानती है, उनके खिलाफ कैंपेन चलाती है, नफरत फैलाती है, तो उसका दूसरा पहलू ये शौकत अली साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो मुसलमान इतने हमने तो हिंदुओं को इसको हिंदू रानी को मलिका हिंदुस्तान बनाया, तो हम कितने सेक्युलर हैं। सेक्युलरिज्म की पहचान इससे नहीं होती, क्योंकि राजाओं के बीच में जो संबंध थे, अब इसको मुसलमान युग मैं नहीं कहता, आप देखिए तो अकबर के दरबार में भी हिंदू राजा थे, औरंगजेब के दरबार में भी हिंदू राजा थे, और उस समय यहाँ की जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को कोई परिवर्तन नहीं आया, मुसलमान राजाओं ने कोई यहाँ शरिया लागू नहीं किया। जहाँ तक स्त्रियों का सवाल है, अब राजा लोगों में संधियाँ होती थी, एग्रीमेंट होते थे, और कभी जब एक राजा दूसरे राजा से मिलता था, उसके मातहत हो जाता था, उससे जुड़ता था, तो एक संदेश के रूप में अपनी बेटी या बहन का विवाह उसके साथ करता था। ये केवल मुगल शासकों में नहीं था, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने भी कई राजाओं से संधियां की और इन्होंने भी शादियां की उन औरतों से। तो ये पुरुष प्रधान समाज की एक बात थी कि राजा लोग जब किसी से संधि करते थे छोटे राजा से, तो उनकी बेटी या बहन वो शादी के रूप में ऐसी, इसीलिए राजाओं की तो वैसे भी बहुत शादियां होती थी, बहुत सारी पत्नियां होती थी। और ये केवल मुसलमान राजाओं पे लागू नहीं है, मैं हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की बात बताऊं, उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे संधियां की और उसके कारण उनकी फिर मेरे ख्याल से 7 या 8 शादियां भी हुई। तो इसको एक देखना कि भाई हम हिंदुओं पे हावी थे और हमने अपना वर्चस्व बनाया, ये राजाशाही का एटीट्यूड है। आप देखिए उस समय भले ही राजा मुसलमान हो, पर जमींदार तो ज्यादा हिंदू थे, मुसलमान जमींदार भी थे, हिंदू जमींदार भी थे, और कोई जो मुसलमान राजा थे 99.9% मुसलमान तो गरीब थे, गरीब किसान थे, दस्तकार थे, तो उसके आधार पे इसको मुसलमानों का राज कहना तो पूरी तौर से गलत है। और सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा शौकत साहब कह रहे हैं, सेक्युलरिज्म की परिभाषा तो ये होती है कि राजा को राज्य सत्ता ये धर्म से दूर रहती है, धर्म लोगों का निजी मामला होता है, वो अपने धर्म का पालन करें। और ये सेक्युलरिज्म शब्द कम्युनिटी से नहीं जोड़ा जा सकता कि भाई मुसलमान सेक्युलर है, हिंदू सेक्युलर नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्युलरिज्म शब्द ही राज्य सत्ता के लिए इस्तेमाल होता है, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि राजाओं को भी ये शब्द ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि राजा तो अपने हिसाब से चलता था, उसको लोगों के धर्म से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता था। अब ये गलत तरीके से बताया जाता है कि वो मुसलमान राजाओं ने अपने धर्म को फैलाया, जो पूरा गलत है। यहाँ जो इस्लाम फैला उसके कारण कुछ अलग थे, कोई 700 साल तक अगर मुसलमान राजा इस्लाम फैलाते रहते, यहाँ तो कोई हिंदू बचता नहीं था। पार्टीशन के समय भी 25% हिंदू थे, 25% मुसलमान थे, तो ये उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये शौकत साहब जो कह रहे हैं MIM के, ये उसी सिक्के का दूसरा पहलू है जो हिंदू सांप्रदायिक ताकतें कहती हैं कि भाई ये हिंदू देश है, मुसलमान विदेशी हैं, उन्होंने हमारे पे अत्याचार किए, और उसके जवाब में फिर अब हम मस्जिदें तोड़ेंगे, हम ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा खड़ा करेंगे। तो ये उसका एक दूसरा पहलू है। इसलिए इसके तीसरा पहलू आपको बता दूं जो सकारात्मक है, महात्मा गांधी को देखिए। महात्मा गांधी कहते हैं भाई यहाँ मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा फलती फूलती थी, हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान प्रजा फलती फूलती थी। और वो ये भी कहते हैं कि जो धर्म है वो राष्ट्रवाद का आधार नहीं होता। तो ये तीनों चीजों को देखिए, ज्यादातर लोगों ने तो गांधी की बात मानी, नेहरू की बात मानी, पर बाद में चलकर पिछले 30 सालों से कुछ गांधी नेहरू के सिद्धांत पीछे हट गए हैं, और जो सांप्रदायिक ताकतों ने मंदिर का मुद्दा उठाया, गाय का मुद्दा उठाया, लव जिहाद का मुद्दा उठाया, उसके कारण एक समस्या खड़ी हो गई। तो ये दोनों प्रकार का जो नजरिया है इतिहास को देखने का, मुस्लिम सांप्रदायिकता
और हिंदू सांप्रदायिकता दोनों गलत। मुस्लिम लोगों में भी, मुस्लिम लीडरशिप में भी आप देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, अल्लाह बख्श है, डॉक्टर एम ए अंसारी हैं, ये सब लोगों ने मज़हब को राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ा। ऐसे ही अब ये तो यही सवाल है, तो शौकत साहब जो कर रहे हैं MIM के, ये बिल्कुल एक गलत तरीका है, इस रास्ते से हमारा समाज आगे नहीं जा सकता। अच्छा पुनियानी जी, आपने दुनिया की और भी तारीख भी पढ़ी होगी, तजर्बे भी आपको बहुत हैं, एक लंबे अरसे से आप देख रहे हैं दुनिया को और अपने देश को, ये जो मजहब की बुनियाद पर राष्ट्रवाद, उसके जरिए एक तानाशाही तक पहुंचने का क्या ये रास्ता दुनिया में औरों ने भी इख्तियार किया है, क्या किसी तजर्बे की रोशनी में यहाँ भारत में इसको रेप्लिकेट किया जा रहा है, क्या है? क्योंकि बहुत ही बारीक डिमार्केशन लाइन रह गई है बार बार, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी शायद धोखा देते हैं या धोखे में रहते हैं, बार बार हम धर्मनिरपेक्ष अभी बाकी है, कानून अभी बाकी है, संविधान अभी बाकी है, ये सब हम कहते हैं, आप भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, और इसी उम्मीद में कहते हैं कि वापस हालात सही नॉर्मल हो जाएं। अभी आपको क्या लगता है कि क्या भारत में जो हिंदुत्व के नाम पर राष्ट्रवाद और इस राष्ट्रवाद के सहारे तानाशाही तक पहुंचने का तरीका क्या दुनिया में और दूसरे मुल्कों में भी इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल किया गया है, बिल्कुल किया गया है। आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। अभी देखिए अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही देखिए, उन्होंने यही बात इस्लाम के नाम पे की। बांग्लादेश में भी उसका थोड़ा असर है, पर बांग्लादेश में ताकतें जो हैं सेकुलर ताकतें काफ़ी मजबूत हैं, वो अपनी बात को सब रखने की कोशिश करते हैं। ईरान में देखिए आयतुल्लाह खोमेनी, और अभी ईरान में आप देखिए बुरके के नाम पर 150 लोगों की मृत्यु हो गई, उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। इजिप्ट में एक मुस्लिम ब्रदरहुड है, वो भी इसी प्रकार की बातें करते हैं। दूर की बात छोड़िए, अपने पड़ोस के श्रीलंका में और म्यांमार में बुद्ध धर्म के नाम पे इसी प्रकार की राजनीति की गई। और काजमी साहब ये बात ख्याल कीजिए कि श्रीलंका में अभी जो बहुत बड़ा संकट चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि उन्होंने बुद्ध धर्म के नाम पे इसी प्रकार की सांप्रदायिकता फंडामेंटलिज्म को समाज पे लादा, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तमिल हिंदुओं को, जाफना के तमिल हिंदुओं को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। तो ये बुद्ध धर्म पे के नाम पे राज करने वाले जो सिंहला थे, म्यांमार में देखिए, म्यांमार में भी बुद्ध धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता है और उसका बहुत बड़ा नुकसान रोहिंग्या मुसलमानों को हुआ वहां, जो उसके बारे में हम सुनते हैं। तो दुनिया में पिछले 30 सालों में, ये आपकी बात सही है कि भारत में तो ये हुआ ही है, पर कई देशों में इस प्रकार की ताकतें मजबूत हुई। उसमें दूसरी बात आपको ये भी बताता हूँ कि जो ऑयल जोन है, ऑयल जोन तेल का क्षेत्र, वेस्ट एशिया पश्चिम एशिया, उसमें खास तौर से अमेरिका के हस्तक्षेप से, अमेरिका के इंटरवेंशन से उन्होंने ऐसी ताकतों को ज्यादा हवा दी है जानबूझ के, क्योंकि वो जानते हैं कि फंडामेंटलिज्म होगा तो उनको वहां के तेल पर कब्जा करना आसान होगा, कोई भी डेमोक्रेटिक ताकत रहेगी तो देश का सोचती है, और जो इस प्रकार के ऑटोक्रेट्स आते हैं, तानाशाह आते हैं मजहब के नाम पे, उनसे उनको अमेरिका आसानी से टैकल कर लेता है, उनको आसानी से अपनी तरफ जोड़ लेता है। तो अमेरिका ने एक तरफ तो तेल के चलते किया है, दूसरे और कारण है, श्रीलंका में दूसरा कारण है, म्यांमार में दूसरा कारण है, भारत में बहुत सारे कारण हैं, पर मोटे तौर पे आपकी बात सही है कि पिछले 30-40 साल में मजहब के नाम की सियासत कई देशों में, खासतौर से वो देश या तो वो जो तेल के क्षेत्र में है, या वो देश जो पहले गुलाम देश थे, उनमें इस प्रकार की सियासत पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। ये बहुत ही अहम बात है। आपने मिडिल ईस्ट का जिक्र किया, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि जब फिलिस्तीन में इलेक्शन हुआ 2006 में, उसको अमेरिका ने और दूसरी ताकतों ने कबूल नहीं किया, हमास की सरकार बनी थी। ईरान के खिलाफ वो अब भी मुसलसल कोशिशें करते रहते हैं, जहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं बाकायदा। इसके अलावा इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराने के बाद जो सरकार बनी है, जहां पार्लियामेंट है, वहां अमेरिका ठीक से पैर नहीं जमा पा रहा, क्योंकि वहां बाकायदा पार्लियामेंट में कुछ चीजें फैसला लिया जाता है।
लेकिन जहां सऊदी अरब है, कुवैत है, दूसरे मुल्क हैं, वहां चूंकि तानाशाही हुकूमतें हैं, वहां उन्हें पैर टिकाना ज्यादा आसान है और ज्यादा आसानी से वो तेल पर कब्जा किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने जो कई देशों का जिक्र किया ये बहुत ही अहम है, श्रीलंका, म्यांमार, ईरान, मिस्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां पर भी धर्म के नाम पर राष्ट्रवाद को भड़काया गया और उसपे उसके नतीजे क्या कुछ हैं वो हमारे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया। मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि राम पुनियानी जी हमेशा देश को जोड़ने की बात करते हैं, तारीख की बात करते हैं और अपने तजर्बात की रोशनी में जितनी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमें आसानी से एक जगह नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।